सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूं तो वो क्वेश्चन है कि -1 और यहाँ पर आयोटा है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। आई एम श्योर ये आपने बहुत ही कम जगह पर क्वेश्चन देखा होगा। और ये क्वेश्चन एक और चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता करना है कि इसका जो आंसर है वो रियल आएगा या फिर इमेजनरी। ऐसे भी कभी कभार MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं कि जो हमें एक्चुअल में पूछा क्या है, तो यहाँ पर पूछा है कि -1 raised to 1 by iota, राइट। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यह आयोटा इमेजनरी नंबर है, राइट। अगर मैं इस -1 को भी इसी की फॉर्म में लेकर आऊँ, मतलब -1 को आयोटा की फॉर्म में लेकर आऊँ, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आई एम श्योर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि e^θ इक्वल टू cos θ प्लस sin θ, एग्री, राइट। तो अब मैं थीटा की जगह e^iota π पुट करने वाला हूँ, राइट। और ध्यान से देखना, यहाँ पर आई एम श्योर इसके बारे में आपको बहुत ही कम पता होगा, इसलिए ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकता हूँ cos iota π, राइट, प्लस sin iota π। ना दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये पता होनी ज़रूरी भी है। कौन सी? अगर यहाँ पर मुझे पूछा होता cos iota x, राइट, जब भी यहाँ पर थीटा में एक्स की जगह को आयोटा मतलब इमेजनरी नंबर आए, तब हम उसको कैसे डील करेंगे? तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं cos x, राइट। cos iota x इक्वल टू होता है cos x, बट जब आता है sin iota x, तो इसको मैं लिखूंगा iota into sin x, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई एम श्योर ये पता होनी सबको बहुत जरूरी है, राइट। cos iota x होगा तो उसको मैं डायरेक्ट cos x लिखूंगा, और जब sin iota x आएगा तो उसको मैं लिख सकता हूं iota into sin x। अब इसी दो प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पर करेंगे, ध्यान से देखना। e^iota π इक्वल टू cos iota π को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं cos π, प्लस iota sin i π को sin i π को मैं लिख सकता हूं iota into sin π, विच मीन्स cos π की वैल्यू क्या होगी? आई एम श्योर सबको पता है -1, इसकी वैल्यू होगी 0 sin π की, इसलिए 0। तो फाइनली आंसर रहेगा -1 विच इज इक्वल टू e^iota π, राइट। ये सबको पता है, आई एम श्योर सबको पता होगा कि e^iota π को -1 लिख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे उसका ये प्रूफ है, राइट। और कई बार अपने फॉर्मूला भी देखा होगा कि e^iota θ को हम लिख सकते हैं cos θ प्लस iota sin θ, राइट। और ये किस तरीके से आता है फॉर्मूला, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, राइट। इस फॉर्म में हम इस फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको इतना पता चला। और हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई है e^iota π इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -1 की जगह e^iota π, राइट, और पावर में 1/iota एज इट इज, एग्री। तो यहाँ पर आयोटा और ये आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ e^π। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक और कंसेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर इसको रब कर दूँ, राइट, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। e^π सिर्फ नहीं आएगा, और भी कुछ वैल्यू आएगी, और वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। आई एम श्योर आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पता होगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, राइट। यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, पाई 3π/2, राइट, अगेन यहाँ पर 2π, फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे हम, यहाँ पर क्या है 2π, इसमें π/2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर फिर ऐसे चलता जाएगा, राइट। पर हमें इस फॉर्म इस ग्राफ में अगर मैं -1 चाहिए, तो -1 आई एम श्योर सबको पता है कि यहाँ पर आता है -1, राइट, यहाँ पर +1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी -1। तो यहाँ पर -1 आया, तो -1 कौन से एंगल पर आया? जब भी हम एंगल मेजर करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, तो यहाँ से करेंगे, राइट। तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो आएगा पाई, मतलब पाई पे -1 आता है, जो यहाँ पर हमने लिखा भी e^π पे, राइट। पर क्या सिर्फ पाई पे ही -1 आएगा? मतलब जब ये सर्कल एक बार और कंप्लीट होगा तो फिर से -1 आएगा, मतलब जब हम यहाँ से 2π सर्कल कम, ठीक है, ये पूरा सर्कल क्या होता है 2π,
तो जब भी हम यहाँ से 2 पाई सर्कल घूमेंगे तो माइनस वन फिर से आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू पाई एग्री प्लस 2 पाई ऑल्सो राइट, बट फिर से मैं घूमूंगा फिर से 2 पाई आएगा, तो इसको मैं और 2 पाई लिख सकता हूँ राइट, ऐसे चलता ही जाएगा। तो इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म करके लिखो अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू पाई प्लस 2n पाई राइट, ये जनरलाइज फॉर्म होगा, n की वैल्यू हम 0 से माइनस भी लिख सकते हैं राइट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलती जाएगी वैल्यू। तो ई रेस टू पाई की जगह में हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ई रेस टू पाई प्लस 2n पाई, बिकॉज माइनस वन बहुत बार आने वाला है इसलिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू माइनस वन लू, n की वैल्यू माइनस वन, तो ई रेस टू पाई माइनस 2 पाई विच मीन्स ई रेस टू माइनस पाई ठीक है, ये इन्फिनिटी से चलता आएगा। और n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो सिर्फ मिलेगा ई रेस टू पाई, अब n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 पाई प्लस पाई ई रेस टू 3 पाई राइट। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें आंसर मिलते जाएंगे राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट आई एम श्योर आपको अब इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।